बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री, नाम है तब्बू। और तब्बू ने महज 14 साल की उम्र में ही देवानंद की फिल्म हम नौजवान से एक बेटी का किरदार निभाया था और उन्होंने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था। हालांकि इस फिल्म से उन्हें खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में दी जिन फिल्मों के जरिए वो आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा नाम और शोहरत कमा रही हैं। 4 नवंबर 1971 को एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार में जन्मी तब्बू ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1980 में आई फिल्म बाजार से एक छोटे रोल से की थी, लेकिन देवानंद की ये फिल्म में काम करने के बाद वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी। तब्बू के अगर नाम की बात करें तो इनका नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, यानी इन्हें प्यार से तब्बू बुलाया जाता है। तब्बू ने फिल्म हम नौजवान से बाल अभिनेत्री के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक से अब तक तब्बू ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। वैसे अभिनेत्री तब्बू को लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते रहते हैं। एक शानदार अभिनेत्री होने के साथ साथ उनकी जिंदगी काफी विवादों भरी रही है। उनका नाम बॉलीवुड के कई सारी अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन आज भी वो कुंवारी हैं। बताया जाता है कि अभिनेता अजय देवगन की वजह से उन्होंने आज तक शादी नहीं की। वहीं दूसरी ओर जैकी श्रॉफ के साथ उनका एक विवाद रहा है, जिस विवाद के चलते आज भी वो उनसे बेतहा नफरत करती है। अब तब्बू का नाम ऐसी हीरोइनों में से शामिल है जो क्वालिटी फिल्में करने में विश्वास रखती हैं। तब्बू फराह खान की बहन है और आज हम आपको तब्बू से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिस पर तब्बू ने तो कभी मुहर नहीं लगाई, लेकिन मीडिया में इसकी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। अमरउजाला.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो ये किस्सा साल 1986 के आसपास का है। तब तब्बू की बहन फराह और जैकी श्रॉफ फिल्म दिल जला की शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों तब्बू अक्सर अपनी बहन के साथ सेट पर जाया करती थी। फिल्म में डैनी विलन के रोल में नजर आने वाले थे। बताया जाता है कि शूटिंग खत्म होने के बाद पूरी स्टार कास्ट डैनी के घर पर पार्टी किया करती थी और एक दिन फराह अपने साथ तब्बू को भी पार्टी में ले गई। पार्टी में जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे। बताया जाता है कि जैकी ने उस दौरान काफी शराब पी रखी थी और इसी दौरान जैकी ने तब्बू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि इस बात को खुद तब्बू की बहन फराह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कबूली थी, जबकि तब्बू ने इस पर कभी भी कुछ नहीं कहा। फराह खान ने कहा था कि अगर डैनी बीच बचाव नहीं करने आते तो जैकी सारी हदें पार कर चुके थे और फराह खान के इस बयान ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। बताया जाता है इसके बाद तब्बू ने जैकी श्रॉफ के साथ कभी भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि अगर किसी अवार्ड समारोह में भी ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते तो कभी भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। इसी के साथ ही अगर तब्बू के अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्मी दुनिया से कोई ताल्लुकात ना होने के कारण उनको फिल्मों में अभिनय करने का मौका बहुत देरी से मिला। उनका एकमात्र आशा उनकी मौसी सबाना आजमी थी, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस थी। तो वहीं दूसरी ओर तब्बू की एक बड़ी बहन भी है जिसने फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम किया है और उनकी बड़ी बहन फराह ने फिल्मों में धमाल मचाए लेकिन स्टारडम कायम नहीं रख सकी। फराह ने शादी के बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दारा सिंह के बेटे के साथ वैवाहिक जीवन में बस गई। हालांकि तब्बू का नाम बॉलीवुड के कई सारे अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन इनका रिश्ता कभी भी आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। तब्बू के अगर लव लाइफ की बात करें तो सबसे पहले इनका नाम संजय कपूर के साथ जुड़ा। तब्बू के जीवन का पहला अफेयर अभिनेता संजय कपूर थे। जब दोनों ने फिल्म प्रेम में एक साथ काम किया तो इसी दौरान उन्होंने एक दूसरे से डेटिंग करना शुरू कर दी, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने आपस में बातें करना बंद कर दी। इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं हुई। अपने कुछ समय के संबंध के बारे में बातचीत करते हुए संजय कपूर ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस समय तब्बू को शुरू में डेट कर रहा था, लेकिन इसके अंत तक हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। अब संजय कपूर के साथ रिश्ता टूटने के बाद इनका दूसरा प्यार साजिद नडियाडवाला बताया जाते हैं। बताया जाता है कि बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक साजिद नडियाडवाला तब्बू की जिंदगी में कदम रखते हैं। जब अफेयर शुरू हुआ तो साजिद अपनी पत्नी दिव्या भारती के जाने का गम झेल रहे थे। तब्बू साजिद को पत्नी के गम से उबारने में मदद तक कर रही थी। धीरे धीरे दोनों करीब होते गए, नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपा कर रखा। हालांकि बाद में सच्चाई सबके सामने आ गई और ये रिश्ता भी कुछ दिनों के बाद खत्म हो गया। तीसरे शख्स की बात करें तो तब्बू की जिंदगी में नागार्जुन भी आते हैं और नागार्जुन के साथ उनकी लव स्टोरी काफी सुर्खियों भरी रहती है। नागार्जुन के साथ बताया जाता है कि तब्बू का करीब 10 साल से अधिक समय तक अफेयर रहा। तब्बू को डेट करने वाले नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि दोनों ने इसके बारे में कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा। नागार्जुन के साथ रहने के 10 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद तब्बू को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को छोड़ने वाले नहीं, तो फिर तब्बू ने भी अपना दूसरा किनारा कर लिया और ये रिश्ता खत्म हो गया। अब अंत में अगर अजय देवगन की बात करें तो ये चौथे ऐसे शख्स थे जो तब्बू की लाइफ में आए थे और बताया जाता है कि अजय देवगन की वजह से ये आज भी कुंवारी हैं।
और इसके पीछे कारण भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तब्बू अजय देवगन के साथ एक बहुत ही खास संबंध शेयर करती हैं। वो एक ही पड़ोस में एक साथ बड़े हुए, लेकिन तब्बू अपनी शादी ना करने के पीछे की वजह अजय देवगन को ठहराती हैं, क्योंकि वह उन्हें किसी भी आदमी को धमकाने के लिए इस्तेमाल करती थी जो उनसे बात करता था। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान तब्बू ने कहा था कि मैं अजय देवगन को 25 सालों से जानती हूँ, अजय मेरे कजन समीर आर्य के पड़ोसी हैं और क्लोज फ्रेंड भी हुआ करते थे। ऐसे में जब मैं छोटी थी तो ये दोनों मुझ पर कड़ी नजर रखते थे, कभी किसी लड़के को मुझसे बातचीत करते देख लेते थे तो उसे ये पीट दिया करते थे। तो वहीं दूसरी ओर अजय देवगन भी अपनी दोस्त तब्बू को शादी करते देखना चाहते हैं। तब्बू ने एक और इंटरव्यू में कहा था कि मैं हर दूसरे दिन अजय से कहती हूँ मेरे लिए सूटेबल लड़का ढूंढो कोई, खैर मैं ये मजाक करती हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि तब्बू की जिंदगी में 4 बार अफेयर हुआ, लेकिन सबके बावजूद 50 साल की उम्र में आज भी वो सिंगल है। वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद भी तब्बू की खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है।